राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट के बादल, सचिन पायलट के नाराज होने की खबर दिल्ली में डेरा डाला। राजस्थान की राजनीति में बड़े उलटफेर की आशंका, सीएम गहलोत के साथ सभी मंत्रियों की अब से थोड़ी देर में बैठक। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में मौजूद, अगले प्लान पर सस्पेंस बरकरार। सचिन पायलट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट, कहा पायलट को भी परेशान किया जा रहा है, मैं इससे दुखी। जयपुर में कांग्रेस में हलचल तेज हुई, सुबह ही गहलोत समर्थक विधायकों का सीएम हाउस में जमावड़ा। कांग्रेस ने तीन बड़े नेताओं को जयपुर भेजा, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला के साथ अविनाश पांडे डैमेज कंट्रोल करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के इंचार्ज और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे का बयान, कहा पार्टी के सभी विधायक हमारे संपर्क में, सरकार पर खतरा नहीं। अविनाश पांडे का दावा, सोनिया गांधी को राजस्थान की पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है, सचिन पायलट ने मिलने का कोई वक्त नहीं मांगा। अविनाश पांडे का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा गहलोत सरकार को अस्थिर करने की फिराक में है बीजेपी। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर, सुलझ सकता है राजस्थान का मामला, सचिन पायलट के टच में है राहुल गांधी। एक चिट्ठी बनी गहलोत और पायलट में मनमुटाव की बड़ी वजह, शुक्रवार को एसओजी के भेजे पत्र में पायलट को विधायक खरीद फरोख्त मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। इन्हीं में कांग्रेस को एक और झटका, विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने बीजेपी ज्वाइन की। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, ईसी ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगा जवाब। शहरी विकास मंत्रालय के साथ कोलकाता नगर निगम बोर्ड के चेयरमैन हैं फिरहाद, एक साथ दो दो प्रॉफिट के पद पर रहने पर सवाल उठे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला में लंच पार्टी दी, कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता मौजूद रहे। चीन भारत बॉर्डर विवाद पर आईटीबीपी का बयान, डायरेक्टर एसएस देसवाल ने कहा देश की जमीन पर कोई कब्जा नहीं। भारतीय सेना ने 72,000 असॉल्ट राइफल के ऑर्डर दिए, फ्रंटलाइन फोर्स को मुहैया कराए जाने हैं आधुनिक हथियार। मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर, अभिषेक बच्चन की हालत में सुधार, नानावटी हॉस्पिटल ने जारी किया बयान, कहा अमिताभ को हल्के लक्षण, आइसोलेशन यूनिट में है भर्ती। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर कहा पिता और मैं दोनों अस्पताल में, सभी से सावधानी रखने की अपील की। नानावटी हॉस्पिटल में आश्वर्या का सीटी स्कैन कराया गया, होम आइसोलेशन में रहेंगी। आराध्या बच्चन भी होम आइसोलेट की गई है, हालत स्थिर बताई गई। जया को छोड़ पूरा बच्चन परिवार कोरोना पॉजिटिव, ऐश्वर्या आराध्या में भी हल्के लक्षण। जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, श्वेतानंदा और उनके बच्चों की रिपोर्ट भी नेगेटिव। अमिताभ बच्चन के चारों बंगले सील, बीएमसी ने सैनिटाइज किया। बंगले में काम करने वाले 30 स्टाफ का कोरोना टेस्ट, बीएमसी ने कोरोना की चेन ढूंढना शुरू किया। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा का सैनिटाइजेशन, बीएमसी ने सैनिटाइज किया। जलसा बंगले में अमिताभ के स्टाफ का भी एंटीजन टेस्ट, सबके सैंपल्स लिए गए। अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा कंटेनमेंट जोन घोषित, चारों तरफ बैरिकेड है। अमिताभ के बंगले प्रतीक्षा को भी सैनिटाइज किया गया, बीएमसी ने सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई। जू में अमिताभ के जनक बंगले को सैनिटाइज किया गया, बंगले में अमिताभ का दफ्तर है। अमिताभ के बंगले वत्स पर भी बीएमसी ने पोस्टर लगाया, गेट पर प्रतिबंधित क्षेत्र का बैनर लगा। जल्द सलामती के लिए देश भर में दुआएं, बॉलीवुड हस्तियों ने जल्द ठीक होने की कामना की। हेमा मालिनी ने भी अमिताभ के लिए दुआ की, ट्वीट कर कहा मुझे पूरा भरोसा जल्द ठीक होंगे अमिताभ। अमिताभ अभिषेक के जल्द ठीक होने के लिए दुआओं का दौर, माधुरी दीक्षित ने जल्द सलामती की दुआ की। प्रियंका चोपड़ा ने भी जल्द ठीक होने की कामना की, कहा आप तक पहुंचे मेरी दुआ और सकारात्मक ऊर्जा। सचिन तेंदुलकर ने अमिताभ के जल्द ठीक होने की दुआ की, अपना ख्याल रखने को कहा। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की दुआ की, कविता ट्वीट कर लिखा पतझड़ की जद में हूँ, मौसम जरा बदलने दो। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अमिताभ और उनके परिवार के लिए दुआ की, कहा जल्द ठीक होंगे महानायक। मुंबई में एक्ट्रेस रेखा का बंगला सील हुआ, रेखा का सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव, बीएमसी ने रेखा के बंगले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया, आसपास के इलाके को किया सैनिटाइज। रेखा के घर के बाहर तैनात दो में से एक सिक्योरिटी गार्ड कोरोना संक्रमित, इलाज जारी। अनुपम खेर की मां भी कोरोना पॉजिटिव, भाई भाभी भतीजी को भी कोरोना, खेर ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। अनुपम खेर के परिवार वालों को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया, अनुपम खेर नेगेटिव, ट्वीट कर जानकारी दी। टीवी एक्टर पार्थ भी कोरोना की चपेट में, टीवी शो की शूटिंग को रोका गया। महाराष्ट्र के राजभवन में कोरोना की एंट्री हुई, 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। राजभवन में अब तक 57 कर्मचारियों की रिपोर्ट आई है, राजभवन के 100 लोगों का टेस्ट करवाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना से आज 7,827 लोग संक्रमित, 173 की मौत हुई। महाराष्ट्र में आज 3,340 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए, राज्य में कुल 1,40,000 लोग ठीक हुए हैं। मुंबई में एक दिन में 1,308 लोग कोरोना की चपेट में, 39 की मौत, मरीजों की संख्या बढ़कर 91,457। नवी मुंबई में एक सप्ताह लॉकडाउन बढ़ा, बेंगलुरु में भी एक सप्ताह लॉकडाउन लगेगा। मुंबई के धारावी में आज कोरोना के 5 नए मामले, संख्या बढ़कर 2,375 हुई। मुंबई के दादर में आज कोरोना के 38 नए केसेस, माहिम में 10 लोग कोरोना की चपेट में। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 28,637 केसेस। देश में अब तक 8,49,553 पॉजिटिव मामले, अभी भी 2,92,258 एक्टिव। 24 घंटे में कोरोना से 551 लोगों की जान गई, अब तक 22,674 लोगों की मौत। देश में बड़ा कोरोना से रिकवरी रेट, अब तक 5 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,573 नए केसेस, 37 की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के कुल 1,12,494 लोग, 89,968 मरीज रिकवर।
दिल्ली में कोरोना के 19,155 एक्टिव केसेस, अब तक 3,371 की मौत। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की जान बचाएगा प्लस ऑक्सीमीटर। सीएम केजरीवाल ने कहा ऑक्सीजन कम होने पर तुरंत संपर्क करें। यूपी में 24 घंटे में 1403 कोरोना की चपेट में, 25 की मौत, 11,490 एक्टिव मामले। सीएम योगी ने कोरोना की जांच के लिए अलीगढ़, वाराणसी, लखनऊ समेत 8 शहरों में लैब का उद्घाटन किया। कहा जल्दी हर जिले में सुविधा होगी। कोरोना से निपटने के लिए योगी सरकार का नया प्लान, यूपी में अब हर हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन। यूपी में हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। हर शनिवार रविवार को सभी बाजार दफ्तर बंद। गुजरात में कोरोना के 872 नए मामले, एक दिन में 10 की मौत हुई। मरीजों की संख्या बढ़कर 41,027 हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार, अब तक 644 की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 65 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 3,897, 810 एक्टिव केसेस। राजस्थान में एक दिन में 153 कोरोना की चपेट में, 4 की मौत। मरीजों की संख्या बढ़कर 23,901। हरियाणा में कोरोना ग्राफ 20,000 के करीब, एक दिन में 648 नए मामले, अभी तक 297 लोगों की मौत हुई। गुरुग्राम में कोरोना के 112 नए केसेस, 129 मरीज आज रिकवर हुए। 24 घंटे में कोरोना से एक शख्स ने जान गंवाई। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 8 लोगों की जान गई, 231 लोग संक्रमण में आए, कुल मरीज बढ़कर 7,587 हुए। पंजाब में मनरेगा के तहत स्कूल निर्माण का काम भी हो सकेगा, राज्य के शिक्षा मंत्री का ऐलान। बिहार में कोरोना के आज 1,266 नए मामले, राज्य में केसेस बढ़कर 16,305। झारखंड में एक दिन में 162 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 3,680, अब तक 24 की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 1,560 नए मामले, 26 की मौत। ओडिशा में कोरोना मरीजों की तादाद 12,526, 61 की मौत। असम में एक दिन में कोरोना के 535 नए मामले, राज्य में 16,071 हुआ आंकड़ा। तमिलनाडु में आज कोरोना के 4,244 नए मामले, 68 की मौत, 3,617 मरीज रिकवर। कर्नाटक में 24 घंटे में 2627 नए केसेस, 71 की मौत। अकेले बेंगलुरु में आज 1,525 नए मामले आए, 45 ने जान गंवाई। तेलंगाना में गवर्नर ऑफिस के 15 लोग कोरोना पॉजिटिव, ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स। तेलंगाना में एक दिन में 1,178 नए केसेस, राज्य में ग्राफ बढ़कर 32,402 हुआ, 348 की मौत। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 1,933 लोग संक्रमित पाए गए, 19 ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना से कुल 29,168 लोग संक्रमित, 358 की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 1,191 लोग संक्रमित हुए, राज्य में 256 एक्टिव केसेस। श्रीनगर में रेड जोन में लागू होगा कंप्लीट लॉकडाउन, हर गतिविधि पर रोक। श्रीनगर में अब तक 47,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, जिले में 99 कंटेनमेंट जोन। श्रीनगर में कोरोना की रफ्तार में कमी आई, मास्क न पहनने पर अब जुर्माना भी लगेगा। दुनिया भर में आज 81,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले, अब तक 1,29,00,000 से ज्यादा केस। दुनिया में अब तक 5,68,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, 75,00,000 से ज्यादा रिकवर हुए। अमेरिका में अब तक 1,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कुल 33,75,000 से ज्यादा संक्रमित। ब्राजील में अब तक 18,40,000 से ज्यादा संक्रमित, अब तक 71,000 से ज्यादा की मौत। जम्मू कश्मीर के सुपौर में आतंकियों से एनकाउंटर, एक आतंकी मारा गया, ऑपरेशन जारी। अवंतीपुरा में बाइक सवार आतंकियों ने सीएपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड फेंका, फिर नहीं निकल पाने की वजह से ग्रेनेड नहीं फटा, आतंकियों की खोजबीन जारी। लखनऊ में यूपी में लखनऊ सहित कई जिलों में टिड्डी पहुंचे, सायरन और दूसरे उपायों के जरिए भगाने की कोशिश। पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश, थाने और रायगढ़ में 16 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से में भारी बारिश से हाल बेहाल, रायपुर में सड़क पर भी पानी भरा। भोपाल में भारी बारिश से हाल बेहाल, मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक का अलर्ट जारी किया।